देखिए, किस स्टेट को कितना मिला उनको बधाई है इसमें, एक्सक्यूज मी, उसमें कोई हमें आर्ग्यूमेंट नहीं है। वो भी हमारे अपने हैं, बिहार भी हमारा अपना है, उसको भी मिलना चाहिए, सबको मिलना चाहिए। मेरा सबमिशन बस ये है कि आप जो एलोकेट करते हो उसका आधार आपकी छोटी और तुच्छ राजनीति नहीं होनी चाहिए। ये ऐसी चीजें हैं जिस पर आपको राजनीति से ऊपर उठकर कुछ ऐसे आधारभूत तथ्य होने चाहिए जिसके आधार पर दिए जाने चाहिए। अभी जैसे फाइनेंस मिनिस्टर स्पीच दे रही थी, आप पूरे स्पीच में सुनना, वहां से बाढ़ आती है इसलिए हमको, हमने उनको दिया, उस स्टेट को दिया, अब मैं इस स्टेट पे आती हूं। अरे आप ऐसे क्यों करते हो? आप ऐसे कहो ना कि जहां जहां पूरे देश में बाढ़ आती है उन सभी राज्यों को ये चीजों से हम मदद करेंगे। क्या ये बड़ा कठिन है? इसमें कुछ ऐसे राज्य भी आ जाएंगे जहां पर आपकी सरकार नहीं है या आपके मित्र सरकार नहीं है। आप ओवरऑल क्यों नहीं देखते पूरे देश को पर्सपेक्टिव में? कहने का मेरा मतलब सिर्फ इतना है कि कोई विजन नहीं है, ये तोड़ जोड़ तोड़ की जैसे राजनीति इनकी चल रही है वैसे इनका बजट है। से बड़ी चीज आप देखिए कि बजट का मतलब क्या होता है। संघीय ढांचा है, पूरा संघ का स्ट्रक्चर है यहाँ पर। इसका मतलब ये है कि हर स्टेट जब ग्रो करेंगे तभी देश ग्रो करेगा। आप देखिए आपका जो बजट एलोकेशन है उसका पैरामीटर क्या है, उसका आधार क्या है, क्या आधार है जिसके बेसिस पे आप फंड्स एलोकेट करते हैं। इसमें बड़ा स्पष्ट ट्रेंड दिखाई देता है कि जो आपके विपक्ष में है, जो आपके साथ नहीं है राजनीतिक रूप से, उनको आप प्रताड़ित करते हो, उनको उसके हिस्से का पैसा नहीं देते हो, और जो आपको आपकी राजनीति में मदद कर रहे हैं या आपके साथी है आप उनको पैसा देते हो। मतलब उस राज्य में रहने वाले लोगों की जरूरतें, उस राज्य की आर्थिक व्यवस्था, आर्थिक स्थिति, या ओवरऑल कोई ऐसा पैरामीटर नहीं है जिसके हिसाब से आप पैसा एलोकेट करते हो। ये दिखाता है कि अभी भी हम बहुत इमेच्योर स्टेट की जैसे बिहेव कर रहे हैं। हमारी पॉलिटिकल, ओवरऑल पॉलिटिकल, नेशनल पॉलिटिकल मेच्योरिटी काफी कम है, और सरकार जो है उसका उद्देश्य देश को आगे बढ़ाना, राज्य को आगे बढ़ाना, जनता के लिए हित करना नहीं है। सरकार का उद्देश्य एक ही मात्र दिख रहा है, क्योंकि सरकार अभी माइनॉरिटी में है, इन द सेंस कि उनकी पूर्ण बहुमत नहीं है, तो सरकार को बचाने के लिए ये बजट है। आप एजुकेशन को ले लो, एजुकेशन में दिल्ली का अकेले का बजट 20-25% रहता है। टोटल जो बजट है उसका 20 से 25% दिल्ली अपने उस पे लगाती है एजुकेशन पे। नेशनल लेवल पे कितना लगता है? लेस देन 2%, लेस देन 2% अगर आप पैसे लगा रहे हो एजुकेशन पे, फिर एजुकेशन पे सारी आपकी बातें बेमानी है और झूठी है, जुमले हैं। हेल्थ पे आप ले लो, हेल्थ पे 14% अपने बजट का दिल्ली सरकार लगाती है, आप कितना लगाते हो? लेस देन 2%। आप आयुष्मान भारत की बात करते हो, आयुष्मान भारत में आप 7,000 करोड़ एलोकेट करते हो, दिल्ली सरकार का अकेले का हेल्थ का बजट 9,000 करोड़ है। इसका मतलब वो भी जुमला है। कहने का मतलब ये है कि ये बेसिक चीजें हैं, ये डिसाइड करेगा कि देश किस डायरेक्शन में जा रहा है। आपका इससे कोई लेना देना नहीं है, आपके एलोकेशन रैदर अगर टोटल नेशनल अभी जो बजट है उससे रिलेटिवली कंपेयर करेंगे तो एजुकेशन का, हेल्थ का ये कम हुआ है। किसानों का आप ले लो, सबसे इंपॉर्टेंट है, एमएसपी की गारंटी तो बहुत दूर की बात है। एमएसपी की गारंटी देना, उसको बात करना तो बहुत दूर की बात है। जो फर्टिलाइजर्स पे सब्सिडी मिल रही थी उसको 20-25% इन्होंने कम कर दिया। फर्टिलाइजर्स की सब्सिडी कम होना कहने का मतलब है कि फर्टिलाइजर का रेट बढ़ेगा। फर्टिलाइजर का रेट बढ़ेगा मतलब उनकी जो प्रोडक्शन कॉस्ट है, किसानों की उपज उगाने की जो कॉस्ट है वो बढ़ेगी, और कमाई आप नहीं कर रहे हो, उनका जो एमएसपी है उसको नहीं दे रहे हो, उस पर कोई आप बढ़ोतरी नहीं कर रहे हो, तो किसान की कमाई तो कम हो गई ना। आप अनएम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे हो, आज यही सारे तो मेन मुद्दे हैं। अनएम्प्लॉयमेंट में आप देखोगे 7.2% से बढ़कर 9% अनएम्प्लॉयमेंट हो गई। आपका रोड मैप कहाँ है? रोड मैप कहाँ है? कॉरपोरेट प्रॉफिट सब्सटेंशियली इंक्रीज हो रहा है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कम हो रहा है। क्यों हो रहा है ऐसे? कॉरपोरेट प्रॉफिट फिर हो क्यों रहा है अगर उनका एक्सपेंशन नहीं हो रहा है? एक्सपेंशन नहीं हो रहा है तो फिर, अगर एक्सपेंशन हो रहा है तो फिर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन क्यों नहीं हो रहा है? एम्प्लॉयमेंट जनरेशन क्यों नहीं हो रहा है? प्रश्न तो बनता है ना, साथ सरकार के रोड मैप क्या है? प्राइवेट सेक्टर पे जनरेशन नहीं हो रहा है, गवर्नमेंट सेक्टर पे जनरेशन नहीं है, फार्मिंग सेक्टर पे आपका कोई ऐसा मॉडल नहीं है जिससे कि उस पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो, क्योंकि फार्मर्स तो छोड़ के शहर आएगा, वो तो नौकरी की तलाश में आएगा, वो नौकरी की तलाश में आएगा, उसका तनख्वाह नहीं है, उसके आप टैक्सेस काट रहे हो हर इनडायरेक्ट टैक्सेस पे। कहने का मतलब है कोई विजन नहीं है, सरकार को बचाने वाली बजट है, देश को बचाने वाली बजट नहीं है।